हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम इन सर्च मी ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान में कॉन्स्टेबल लेवल या कॉन्स्टेबल की भर्ती निकली है जो कि लगभग 3,500 पोस्ट से भी ज़्यादा है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आप डिटेल में रहेगा, किस किस तरह की कंडीशन अप्लाई करनी रहेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं जो भी वैकेंसी से रिलेटेड है फुल डिटेल जी। तो इसमें ये है, राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए जो इच्छुक हैं उनके लिए वैकेंसी निकल चुकी है। 3,578 पदों के लिए भर्तियां हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो प्लस टू मांगी गई है। प्लस टू वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। जो वैकेंसी है वो 7 अगस्त से स्टार्ट होंगी और लास्ट जो डेट रहेगी वो 27 अगस्त रहेगी। यानी कि 20 दिन का आपको गैप मिलेगा, 20 दिन के अंदर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 28 से 30 अगस्त तक अगर आपको कुछ अपडेट करनी है या अगर आप मिस्टेक हुई है उसको करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 28 से 30 तक जी। और वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट आपको बता दी 3,578 है, जिसमें अलग अलग तरह की होगी। कॉन्स्टेबल जनरल, ड्राइवर, कॉन्स्टेबल बैंड, माउंटेड डॉग, पुलिस, टेलीकॉम और अदर, जो भी स्टेट वाइज आप पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो हर महीने इसमें 20,000 से लेकर 65,000 तक सैलरी आपको दी जाएगी। फिजिकल की बात करें, राजस्थान कॉन्स्टेबल में पहली बार रिटर्न एग्जाम के बेस पर फिजिकल कराया जाएगा। फिजिकल के बाद रिटर्न टेस्ट का आयोजन होगा और फिजिकल पास कर चुके यानी कि 15 गुना उसको मौका मिलेगा, पास कर चुके 15 गुना। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो पोस्टिंग है वो मेरिट बेस पर की जाएगी। पहले उसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के बाद मेरिट के आधार पर पोस्टिंग की जाएगी। और जो फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो इसमें पुरुष के लिए जैसे लंबाई है, जैसे कम फुलाई या फुलाकर चेस्ट की बात करें, छाती की, और फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए ऊपर पुरुष के लिए थी, मेल के लिए। अगर महिलाओं के लिए बात करें तो इसमें हाइट मांगी गई और वेट। हाइट इसमें 152 सेंटीमीटर और वेट इसमें मांगा गया 47.5। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपका प्लस टू पास होना ज़रूरी है। अगर आपने प्लस टू क्लियर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ RAC और MAC बैटालियन बैंड अगर जिनका है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन 10th पास आउट के लिए। और जो पुलिस अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हैं। अगर पुलिस टेलीकॉम कॉन्स्टेबल की बात करें तो इसमें प्लस टू मांगा गया है। और इसमें कॉन्स्टेबल ड्राइवर पद के लिए 1 साल का लाइसेंस होना ज़रूरी है प्रीवियस ईयर में, अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें तो फीस इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 600 है, अदर कैटेगरी के लिए 400 है। और एज की बात करें तो इसमें जो एज है वो 18 से 24 साल रखी गई है। जो भी कैटेगरी नियम अनुसार अदर कैटेगरी को कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, 25 पेज का है ये नोटिफिकेशन। इसे आप आराम से प्रिंट आउट लेकर या आप PDF में आप इसे पढ़ सकते हैं। हिंदी में पूरा नोटिफिकेशन है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो ये यहाँ पे दिया गया है। जी 3 अगस्त को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अब यहाँ पे ये फीस है 600 या 400, ये सभी यहाँ पे दिया गया है। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी गई है। फिर कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होगा, उसका सिलेबस है किस बेस पर होगा, कितने मार्क्स रहेंगे, तो ये सब यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे फिर उसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टिंग की पूरी डिटेल दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं, पूरा मेंशन है यहाँ पे जी। तो वेबसाइट पे चलते हैं, ये है वेबसाइट। वेबसाइट पर आके आप चेकआउट कर सकते हो और सबसे ऊपर
नंबर वन पे ये आपको मिलेगा नोटिफिकेशन कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए ये है कि ये स्टार्ट नहीं हुई है, 7 अगस्त से ही स्टार्ट होगा और 7 के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जी। तो ये थी वैकेंसी से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल। होप्सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट मिस हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था।